हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट लेक्चर्स डॉट कॉम में। और आज इस लेक्चर को हम हिंदी में बनाने वाले हैं। और इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका हिंदी में रहेगा। और इस लेक्चर से बेस्ट बेनिफिट पाने के लिए आप क्या करें, इस लेक्चर को पूरा देखें। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद में आप ट्रांजेक्शन्स, रिकवरेबिलिटी, सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इन सब के आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप यूजीसी नेट का सॉल्व कर रहे हो या गेट का सॉल्व कर रहे हो, इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के इस पूरे लेक्चर के दौरान हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिस्कस करेंगे, जो गेट से होंगे और जो यूजीसी नेट से होंगे, जो बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकवरेबिलिटी, उसके बाद हम देखेंगे सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, हम कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों है और हम क्यों यूज़ करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ओके, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में हमारे पास में टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, उसके बाद में आपका रिग्रेस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, और फिर हमारे पास में है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो इस इन सब को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और शेड्यूल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देखें, सिंपल ट्रांजेक्शन की बात करें, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो वो एक ट्रांजेक्शन के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक में जाते हो, लेट से आप किसी एटीएम में जाते हो, और एटीएम में आप क्या करते हो, या तो विड्रॉल करते हो या फिर बैलेंस चेक करते हो। तो एटीएम में आप कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला स्टेप होगा आप अपना कार्ड एंटर करोगे, उसके बाद में आप पिन एंटर करोगे, फिर अकाउंट सेलेक्ट करोगे क्या किस टाइप का आपका अकाउंट है, उसके बाद में आप मनी एंटर करोगे, कितना मनी, कितना पैसा आप उससे निकालना चाहते हो। ये सब आपके ऑपरेशंस होंगे। इन सब को करने के दौरान आप क्या करोगे, कुछ रीड करोगे अपने अकाउंट से, कुछ उसमें राइट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से अपने अकाउंट से 500 क्रेडिट कर रहे हो, आप 500 उसे निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले एटीएम क्या करेगा, एटीएम आपका अकाउंट रीड करेगा कि आप 500 रुपये है भी नहीं उस अकाउंट में। उसके बाद में अगर 500 रुपये हैं तो वो उन आपके अकाउंट को मॉडिफाई करेगा, आपके अकाउंट से 500 रुपये डिडक्ट करने के बाद में उसको वापस से राइट करेगा आपके अकाउंट में। सो ये पूरा पूरा एक ट्रांजेक्शन होगा जिसमें कई सारे ऑपरेशन होंगे। सो नॉर्मली एक ट्रांजेक्शन में हम सब ऑपरेशंस को कैसे लिखते हैं, उन ऑपरेशंस को हम लिखते हैं सिंपली, लेट्स से एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन है T2। सो ट्रांजेक्शन क्या होगा, नॉर्मली लॉजिकली ऑपरेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस होंगे। आप डेटाबेस से कुछ रीड करोगे, लेट्स से डेटा आइटम है ए, उसके बाद में कुछ राइट करोगे उसको मॉडिफाई करने के बाद में, तो आप जो मॉडिफाई कर रहे हो, लेट से आप क्या कर रहे हो, a-50, a = a-50 एक ऑपरेशन कर रहे हो जो कि सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा। सीपीयू क्या करेगा, a-a50 करेगा। ओके, सीपीयू इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं हम ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं दिखाते, हम सिंपली क्या दिखाते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, रीड ऑपरेशंस एंड राइट ऑपरेशंस। ओके, तो ये एक ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड लॉजिकल ऑपरेशंस, दीज आर नॉन एज, ये हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशंस, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी। सो ये सब ऑपरेशंस हैं। तो अगर आप बुक में डेफिनेशन देखते हो ट्रांजेक्शन की, डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इज ए लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन, ट्रांजेक्शन इज ए सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन। सो दे ये हैं आपके लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशन, जो डेटाबेस से कुछ रीड कर रहे होंगे या डेटाबेस में कुछ राइट कर रहे होंगे। ओके, डेटाबेस के अंदर क्या है, डेटा आइटम्स हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये सब क्या है, डेटा आइटम्स हैं। और रीड ए का मतलब है, आर ए का मतलब है कि आप ए को रीड कर रहे हो डेटाबेस से, और ये ट्रांजेक्शन T1 कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन्स आपके दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांजेक्शन्स की बात करें, ये आपका एक सिंगल सिंपल ट्रांजेक्शन है। ओके, सीरियल ट्रांजेक्शन्स, तो इन्हीं ट्रांजेक्शन से मिला के हम बनाते हैं शेड्यूल। ओके, अगर मैं इसको कहूँ ये एक शेड्यूल है, ओके, जिसमें दो ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके,
तो इस शेड्यूल में क्या हो रहा है, इट से इसके कंप्लीट होने के बाद में ट्रांजिशन T1 स्टार्ट हुआ और उसने एक रीड ऑपरेशन किया। सो ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, एक एक शेड्यूल के अंदर दो ट्रांजेक्शन हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। सो ट्रांजेक्शन से मिलकर हम बनाते हैं शेड्यूल। ओके, तो शेड्यूल में क्या होगा, दो तरह के शेड्यूल्स होंगे आपके पास में। शेड्यूल दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कॉन्करेंट शेड्यूल होगा या फिर वो सीरियल शेड्यूल होगा, सीरियल शेड्यूल या फिर कॉन्करेंट शेड्यूल। कॉन्करेंट मीन्स, कॉन्करेंट शेड्यूल मीन्स कई सारे ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, एक साथ कई सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। सीरियल शेड्यूल मीन्स एक टाइम पर एक ही ट्रांजेक्शन चल रहा है और उसके कंप्लीट होने के बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन आएगा, वो कंप्लीट होगा। ओके, जैसे ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल कैसा है, ये शेड्यूल आपका सीरियल शेड्यूल है क्योंकि T1 के कंप्लीट होने के बाद में T2 स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, प्रोसेसेस जो होती है, प्रोसेस आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रोसेस आप दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो पैरेलली या फिर सीरियली। तो पहले एक प्रोसेस आएगी, वो कंप्लीट होगी, उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर आएगी, मेमोरी से वो CPU पे एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में टर्मिनेट होगी। इसी तरह ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन अगर सीरियल है तो पहले एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा और जिस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है कोई और ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। ओके, इसी तरह से आपके पास में कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, कॉन्करेंट शेड्यूल है। कॉन्करेंट शेड्यूल का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो आपकी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होगा। जैसे प्रोसेसेस है, अगर आप अपने कंप्यूटर में कुछ प्रोसेस चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में दो प्रोसेसेस हैं, एक आपने मीडिया प्लेयर चलाया हुआ है, आप कोई मूवी देख रहे हो, और बैकग्राउंड में आपने क्या किया हुआ है, लेट से आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर लेट से आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हो, तो ब्राउजर एक अलग प्रोसेस हो गई और मीडिया प्ले एक अलग प्रोसेस हो गई, तो आपको लग रहा है कि पैरेलली चल रहे हैं। एक्चुअल में वो पैरेलली नहीं चल रहे होते हैं, उनके बीच में वो आपस में स्विच कर रहे होते हैं एक दूसरे के बीच में। सो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा होगा, वो दोनों ट्रांजेक्शन्स पैरेलली चल रहे होंगे। जैसे एक ट्रांजेक्शन है रीड ए, उसके बाद में आपके पास में इसका ऑपरेशन है राइट ए, फिर ये एग्जीक्यूट होगा रीड बी, लेट से इसने दो ऑपरेशन किए रीड बी राइट बी, उसके बाद में इसने कोई ऑपरेशन किया लेट से रीड बी। तो ये दो ट्रांजेक्शन जो हैं ये कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसीलिए हम इसको कॉन्करेंट शेड्यूल बोल रहे हैं। कॉन्करेंट शेड्यूल मतलब दो ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। सीरियल शेड्यूल मीन्स जो ट्रांजेक्शन हैं वो सीरियली एग्जीक्यूट हो रही है, पहले एक ट्रांजेक्शन चली गई लेट से T1 चली स्टार्ट हुई, उसके बाद में इसने अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए और फिर उसके बाद में T1 स्टार्ट हो गया। ओके, ऐसे टाइम चल रहा है, पहले लेट से टाइम T0 पे दिस ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, टाइम T1 पे ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, फिर टाइम T2 पे ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, लेट से ये कह रहा है कि रीड बी एंड राइट बी। तो ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं ये सीरियली एग्जीक्यूट हो रही है, T2 के बाद में T1 एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, T2 के बाद में T1 एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये सीरियल शेड्यूल है, लेकिन ये कॉन्करेंट शेड्यूल है। अब आपके पास में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी कॉन्करेंट शेड्यूल में। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हो कॉन्करेंट प्रोसेसेस के लिए। ओके, दो जो प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर दो प्रोसेस एग्जैक्ट एग्जीक्यूट हो रही है और वो सेम डेटा आइटम एक्सेस कर रही है तो क्या है, वो कोरिलेटेड प्रोसेसेस हैं। इसी तरह ट्रांजेक्शन जो है अगर वो सीरियल दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है और वो सेम डेटा आइटम्स यूज़ कर रही हैं तो वो है कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। ओके, एंड कॉन्करेंट शेड्यूल, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डेटा आइटम दोनों सेम ही यूज़ कर रहे हैं, T1 भी सेम डेटा आइटम यूज़ कर रहा है दैट इज़ ए, और T2 भी सेम डेटा आइटम यूज़ कर रहा है जो कि ए है। सो इस तरह से ये कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स हैं। अब कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, गैस करो। तुम आपके पास में दो ट्रांजेक्शन्स हैं, ओके, आपके पास में दो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स हैं T1 एंड T2, आप क्या कर रहे हो, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो और वो एक डेटा, दोनों के दोनों जो ट्रांजेक्शन्स हैं T1 और T2 दोनों सेम डेटा आइटम रीड कर रही हैं। जैसे लेट से ए की वैल्यू इनिशियली 500 थी, ओके, ए आपका 500 था, तो T1 ने क्या किया, रीड किया ए को, उसके बाद में ए में कुछ मॉडिफिकेशन किया a-50, उसके बाद में T2 आ गई क्योंकि कॉन्करेंट है, इसके राइट करने से पहले अभी T2 आ गई, T2 ने क्या करा, T2 ने भी ए को रीड किया, उसके बाद में ए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसके बाद में इसको राइट कर दिया राइट ए, और फिर इसका T1 ने क्या करा, T1 ने राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, 50 इसने डिडक्ट किया है और 50 इसने डिडक्ट किया है। ओके, 50-50 दोनों ने डिडक्ट किया है ए से, तो फाइनल रिजल्ट आपका 400 होना चाहिए। ओके, 400 होना चाहिए ना, लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, पहले
पहले आपने रीड किया, रीड करने का मतलब ये है कि डेटा आइटम ए की जो वैल्यू थी वो आप डेटाबेस से उठा के रजिस्टर्स में लेके आए हो, क्योंकि आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज़ एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस डेटा आइटम को डेटाबेस से आपको मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा और मेमोरी से रजिस्टर्स के अंदर, क्योंकि जो ऑपरेशन एलयू परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्स के ऊपर करेंगे। तो अभी ए जो है एक रजिस्टर के अंदर है, और टी वन जो है वो अलग रजिस्टर्स यूज़ कर रहा है, और टी टू अलग रजिस्टर्स यूज़ कर रहा है। तो टी वन ने भी ए को फैच किया, टी टू ने भी ए को फैच किया, दोनों ने मॉडिफिकेशन किया, लेकिन टी टू ने पहले राइट कर दिया। मतलब क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू क्या थी ए की, ए की इनिशियल वैल्यू थी 500। ओके, अब क्या हुआ, इसने ए को मॉडिफाई तो कर दिया है लेकिन इसने राइट नहीं किया है अभी। राइट मतलब क्या है कि अब आप इसको फाइनली जो राइट ऑपरेशन होगा वो क्या करता है, वो फाइनल वैल्यू जो है वापस डेटाबेस में राइट करेगा। अभी तक इसने डेटाबेस में राइट नहीं किया है टी वन ने, अभी तक इसने सिर्फ मॉडिफाई किया है वो भी रजिस्टर्स के अंदर। अब राइट यहाँ करेगा, लेकिन टी टू ने क्या किया, पहले इसको रीड किया। ऑब्वियसली जब इसने राइट नहीं किया है तो ये पहली फ्रेश वैल्यू ही रीड करेगा, क्योंकि अभी ए की वैल्यू इसने मॉडिफाई तो कर दी है लेकिन इसने राइट नहीं की है, इसलिए ए क्या करेगा, फ्रेश वैल्यू रीड करेगा। ए ने रीड किया 500, 500 में से आपने 50 को डिडक्ट किया और ये क्या हो गया है, 450। 450 क्यों हुआ, क्योंकि आपने फाइनली इसको राइट कर दिया है। ठीक है, आपने इसको राइट कर दिया है, 500 माइनस 50 दैट इज़ 450, और 450 को करने के बाद में आपने क्या करा, इसको राइट कर दिया डेटाबेस के अंदर, तो वैल्यू क्या हो गई है, 450। अब टी वन आया, टी वन ने भी कहा राइट ए, तो जो टी वन राइट करेगा वो क्या करेगा, उसके रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यू है, टी वन के रजिस्टर्स के अंदर क्या है, लेट से ये आर वन रजिस्टर यूज़ कर रहा है और ये आर वन के अंदर क्या है, 450, क्योंकि इसने 50 डिडक्ट किया था और ये रजिस्टर में रख के बैठा हुआ है इसको। अब ये क्या करेगा, फाइनली उसको राइट करेगा, इसने भी राइट किया क्या, 450। फाइनल जो सबसे लास्ट में जो राइट ऑपरेशन हुआ है वो टी वन ने किया है, और टी वन ने क्या राइट ऑपरेशन किया है, 450। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से जो है फाइनल वैल्यू 400 होनी चाहिए थी लेकिन 450 आ रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी डेटाबेस के अंदर जब आप कोई कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स की वजह से ही आएगी, कभी भी सीरियल ट्रांजेक्शन्स की वजह से नहीं आएगी, सीरियल शेड्यूल की वजह से नहीं आएगी। ये क्या है, कॉन्करेंट शेड्यूल है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को जो कॉन्करेंट शेड्यूल की वजह से आने वाली है और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, उनको देखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। जैसे कि आपकी प्रोसेसेस हैं और प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं, अगर आपने देखा हो तो प्रोसेसेस की कुछ स्टेट होती है, फॉर एग्जाम्पल पहली स्टेट होगी न्यू, उसके बाद में रेडी, फिर एग्जीक्यूशन, ओके, न्यू रेडी देन रनिंग, उसके बाद में वेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो कोई बहुत सारी स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की, इसी तरह ट्रांजेक्शन्स की भी कुछ स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट होगी एक्टिव, एक्टिव मीन्स एक ट्रांजेक्शन ने अभी स्टार्ट किया है एग्जीक्यूट होना, तो अब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके बाद में वो जा सकती है एक पार्शली कमिटेड स्टेट पे। पार्शली कमिटेड एक स्टेट होगी, पार्शली कमिटेड का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई थी उसने अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म तो कर लिए हैं लेकिन वो फाइनल जो रिजल्ट था वो अभी तक डेटाबेस के अंदर राइट नहीं किया है। ओके, तो जब वो फाइनली राइट कर देगी उस मॉडिफिकेशन को, तब हम कहेंगे कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है और वो कमिटेड हो गई है। ओके, कमिटेड मीन्स हमने सारा जो भी मॉडिफिकेशन किया उस ट्रांजेक्शन ने डेटाबेस के अंदर, उसको राइट कर चुके हैं डेटाबेस के अंदर और वो अब लॉस्ट नहीं होगी। लेकिन और क्या हो सकता है, अगर एक एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई तो वो फेल भी हो सकती है। ओके, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं फेलियर के, फॉर एग्जांपल पावर फेलियर हो गया, या फिर कोई और डेटाबेस में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या सर्वर डिसकनेक्ट हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ट्रांजेक्शन एक फेल भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप एटीएम जाते हो और एटीएम से आप कुछ भी विड्रॉल कर रहे हो, तो आपने कभी देखा होगा विड्रॉल के दौरान क्या होगा, कभी कभी पावर ऑफ हो जाती है एटीएम की, स्पेशली इंडिया में, तो उस केस में क्या हुआ, आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई। ओके, तो ये जो फेल स्टेट है, आप यहाँ पे पार्शियली कमिटेड से भी आ सकते हो। ओके, पार्शियली कमिटेड होने के बाद में ट्रांजेक्शन फेल भी हो सकती है। कैसे फेल हो सकती है, अगर मैं एटीएम का एग्जांपल लूँ, आपने ट्रांजेक्शन सब पूरी कंप्लीट कर ली है, आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, आपसे आपके अकाउंट से पैसा भी डिडक्ट हो गया है, लेकिन कैश बाहर नहीं आया। कैश बाहर आने से पहले क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई एटीएम के अंदर और आपके हाथ में कैश नहीं आया, तो क्या होगा इस केस में, पार्शली कमिटेड है, पार्शली कमिटेड मीन्स वो सारे के सारे काम कर चुके हो आप मनी भी एंटर कर चुके हो, आपका पैसा डिडक्ट भी हो चुका है, अब फाइनली आप वेट कर रहे हो कि मशीन कब कैश आपको वापस देगी, कैश कब मशीन से कैश कब निकलेगा, लेकिन मशीन से कैश निकलने से पहले आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्शियली कमिटेड से वो फेल में भी आ सकती है। ओके, अब फेल से क्या होगा, फेल के बाद में अगर वो ट्रांजिशन फेल हो गई तो आपको उसको अबॉर्ट करना होगा। अबॉर्ट, अबॉर्ट मीन्स अब आपने क्या करा, उस ट्रांजेक्शन को उसको रोल बैक कर दिया है। ओके, अगर आप उसको रोल बैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसा तो डिडक्ट हो गया है लेकिन आपके हाथ में पैसा आया नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना होगा। अबॉर्ट का मतलब ये कि आपने जो जो काम किया है अभी तक, ओके, जितना आपने लेट से आपने अमाउंट एंटर किया था, आपने सब कुछ किया था, वो एक लॉक के अंदर राइट कर रहे हैं। डेटाबेस क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि आप जो भी कर रहे हो एटीएम के अंदर, वो एक एक पर्टिकुलर फाइल है, उसको बोलते हैं लॉग फाइल। लॉग फाइल के अंदर वो सब कुछ राइट कर रहा है कि आपने किस टाइम पे आपने पिन एंटर किया, किस टाइम पे आपने अकाउंट सेलेक्ट किया, किस टाइम पे आपने अमाउंट एंटर किया, तो ये सब चीज़ें। तो अब ये क्या करेगा, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो उन लॉग्स को देखे, लॉग के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, आपका जो आपने जो जो किया है वो सबको अंडू करेगा। ओके, अगर आप अंडू नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको पैसा मिला नहीं है लेकिन आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। ओके, तो ऐसा कभी आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने, आपको पैसा, आपका जो ट्रांजेक्शन था वो एक्चुअल में पार्शियली हुआ था। ओके, अगर ट्रांजेक्शन पार्शियली हुआ है तो आपको अबॉर्ट करना होगा, और आपका जो पैसा डिडक्ट हुआ है वो आपके अकाउंट में वापस भेजना होगा। वापस तभी भेज सकते हो जब आपने जो सारे ऑपरेशन किए हैं उनको अंडू करेंगे। ओके, तो ये सब ट्रांजेक्शन की स्टेट होंगी, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, या फिर एक्टिव से फेल्ड एंड अबॉर्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, मैंने अभी कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स की वजह से होंगी। उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि आपने कोई भी अगर कोई भी शेड्यूल एग्जीक्यूट किया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, तो वो शेड्यूल चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। उनको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। वो चार प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड प्रॉपर्टीज़। ये एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये क्या कहती हैं? एसिड प्रॉपर्टीज़ में पहली है ए। ए का मतलब है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, तो ये एसिड प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? एसिड प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे कोई भी ट्रांजेक्शन चलाया, कोई भी शेड्यूल चलाया, तो वो शेड्यूल उसको वो शेड्यूल तभी वैलिड होगा अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंटीग्रिटी खो देगा। ओके, तो टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, एसिड प्रॉपर्टीज़ किस लिए हैं? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट भी रखना है। ओके, इंटीग्रिटी भी खोनी ना चाहिए। जब आप उसमें कुछ भी शेड्यूल लगा रहे हो, कोई भी शेड्यूल चला रहे हो अगर डेटाबेस के ऊपर, तो वो उस डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं छोड़ना चाहिए। एटोमिसिटी का मतलब ये है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ो इंग्लिश में, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि आइदर ऑल द ऑपरेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नन शुड बी एग्जीक्यूटेड। ओके, एटोमिसिटी मीन्स आइदर ऑल ऑपरेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड और नन। इसका मतलब है कि अगर आप कोई शेड्यूल चला रहे हो, आपने कोई ट्रांजेक्शन लिया और उस ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ ऑपरेशंस थे, लेट से रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, ठीक है, ये सब ऑपरेशंस थे, तो एटोमिसिटी कहती है कि या तो सारे के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो या फिर कोई भी ना हो। ओके, इसका मतलब है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके बैंक बैंक डेटाबेस का, बैंक डेटाबेस में अगर आपने कहा आपने कुछ आपने आपसे आपके मनी आपके अकाउंट से आपको कुछ लेट से कुछ कैश विदड्रॉ करना है, तो आप कहाँ तक पहुँचे? लेट से आपने पिन एंटर कर दिया, पिन एंटर करने के बाद में आपने अमाउंट भी एंटर किया, अमाउंट एंटर करने के बाद में क्या हुआ, आपके एटीएम ने मैसेज दिया कि अमाउंट इज़ डिडक्टेड। ओके, और उसके बाद में कैश क्या हुआ, कैश आपके पास में नहीं आया। ओके, उस टाइम कोई फेलियर आ गया, लेट से पावर फेलियर आ गया, जब आप यहाँ पर थे लेट से, तो यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ, आपके एटीएम में फेलियर आ गया। तो ऑटोमेटिसिटी बहुत ही अच्छी चीज़ कहती है, वो कहती है कि आपने जो जो अभी तक इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं एटीएम के अंदर, उन सबको अंडू कर देना चाहिए, उन सबको रोल बैक कर दो। रोल बैक मीन्स आपने जो जो ऑपरेशन किए उन सबको अंडू कर दो। अगर आप उन सबको अंडू नहीं करोगे तो क्या होगा, डेटाबेस को लगेगा कि आपने आपके हाथ पास में एटीएम आपके पास में पैसे आ चुके हैं और आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो चुके हैं। ओके, तो बैंक उस केस में क्या करेगा, आप बैंक में एक रिक्वेस्ट डालोगे कि मेरे पास में कैश आया नहीं था, तो बैंक क्या करेगा, आप उस आप आपने जो भी काम किया एटीएम के अंदर वो सब उसने एक लॉग में लिखे हुए हैं, एक लॉग के अंदर वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो डेटा जो आपका बैंक होगा उस लॉग को देखेगा, और लॉग में वो देखेगा कि जिस टाइम कैश आने वाला था उस टाइम पे कुछ फेलियर आ गया,
तो जहां पे फेलियर आया है वहां से वो सब कुछ रोल बैक कर देगा, आपने जो भी अमाउंट एंटर किया था वो भी अंडू कर देगा, हर एक चीज अंडू कर देगा। तो इससे ऐसा लगेगा कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं था एटीएम के अंदर। ओके, एटोमिसिटी कह दिया कि या तो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो या फिर कोई भी ना हो। कोई भी ना होने का मतलब क्या है कि जो भी जितने भी हुए थे उनको भी रोल बैक कर दो, उनको भी रोल बैक कर दो। रोल बैक मीन्स उन सबको भी अंडू कर दो। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कंसिस्टेंसी। ओके, यहाँ पे सी का मतलब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहती है कि लेट से आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वी हैव टू ट्रांजेक्शन लेट से T1 एंड T2, और इनिशियली क्या था, आप इसमें कुछ कर रहे हो लेट से रीड ए, आप ए से कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, आपके पास में टू अकाउंट्स हैं, अकाउंट ए और अकाउंट ए का बैलेंस है 500 और अकाउंट बी का बैलेंस है 400। तो अगर आप इन दोनों का सम देखें तो ए प्लस बी क्या होगा, 900। तो कंसिस्टेंसी कहती है कि शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने के बाद में जो आपका डेटाबेस, अगर इस शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आपका शेड्यूल आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट था, तो इस शेड्यूल को कंप्लीट होने के बाद में भी जो आपका डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ओके, अगर ए प्लस बी का जो सम है इस ट्रांजेक्शन इन इस शेड्यूल को कंप्लीट होने के पहले 900 था, तो जो इनका समेशन है वो भी वो इस पूरे शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने के बाद में भी 900 ही होना चाहिए, क्योंकि ए से बी में ही तो कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपने ए लिया, ए से आपने 50 डिडक्ट किया, उसके बाद में आपने क्या किया, रीड किया बी। ओके, और बी से आपने क्या करा, बी के अंदर 50 एंटर, आपने बी के अंदर 50 ऐड किया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए से ट्रांसफर कर रहे हो बी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसने कहा राइट ए और इसने कहा राइट बी। ओके, तो इन दो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए विल बिकम 450, क्योंकि ए से 50 ट्रांसफर हुआ है, ए ने 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 450, क्योंकि आप 50 जो है वो ऐड कर रहे हो बी के अंदर। तो फाइनली अगर आप इस शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने के बाद में ए प्लस बी का सम देखेंगे, ए प्लस बी का सम क्या होगा, 450 प्लस 450 जो कि 900 होगा। ओके, तो डेटाबेस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपका डेटाबेस की जो आपके डेटा आइटम्स हैं उनका समेशन इस शेड्यूल के स्टार्ट होने से पहले 900 था, तो शेड्यूल को कंप्लीट होने के बाद में भी 900 ही होना चाहिए, ना तो कुछ लॉस हो ना कुछ एक्स्ट्रा डेटाबेस के अंदर आए। ओके, लॉस कब होगा, लॉस तब होगा अगर एक ए से डिडक्ट तो हो गया है 500 जो है, 50 डॉलर, लेट से 50 रुपीज़ जो है वो ए से डिडक्ट तो हो गए हैं, लेकिन बी के पास पहुंचे नहीं है। उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 450 और बी की वैल्यू होगी 400, तो उस केस में जो समेशन आएगा वो आएगा 850, जो कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, ये रॉन्ग वैल्यू है। एक्चुअल में क्या हुआ है, आपके डेटाबेस से कुछ लॉस्ट हुआ है, कुछ लॉस्ट हुआ है, लॉस्ट क्या हुआ है, $50 लॉस्ट हो गए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो कि आपने 50 अकाउंट, एक अकाउंट ए से 50 ट्रांसफर किए बी के अंदर। ओके, और बी में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से बी में दो बार एंटर हो गए हैं, तो क्या हुआ, अब फाइनली ए की वैल्यू क्या हुई, 450, और बी की वैल्यू हो गई है 500, क्योंकि बी के अंदर जो आपने $50 ट्रांसफर किए थे वो दो बार ट्रांसफर हो गए हैं, दो बार ऐड हो गए हैं, तो इस केस में समेशन आया 950। तो एक्चुअल में 50 जो है वो एक्स्ट्रा आया है कुछ बाहर से डेटाबेस के अंदर, ये ना होना चाहिए। ओके, ना तो कुछ लॉस हो ना कुछ एक्स्ट्रा है डेटाबेस के अंदर, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट। इन दो केसेस में जो आपके डेटाबेस की स्टेट है वो इनकंसिस्टेंट है, इस केस में सिंपली कंसिस्टेंट स्टेट है, क्योंकि सम जो है वो पहले भी 900 था और बाद में भी 900 ही है इस शेड्यूल को एग्जीक्यूट होने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। आई आई मीन्स आइसोलेशन। अब आइसोलेशन ये कह रहा है कि अगर दो ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, T1 एंड T2 दो ट्रांजेक्शन से, और वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसने कहा रीड ए राइट ए और इसने कहा रीड ए, उसके बाद में इसने कहा रीड बी राइट बी और इसने कहा रीड बी, तो ये कॉन्करेंट शेड्यूल है। ओके, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉन एज शेड्यूल, सो एक कॉन्करेंट शेड्यूल है। इस कॉन्करेंट आइसोलेशन कहता है कि अगर दो दो ट्रांजेक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं,
तो वो एक दूसरे का इंटरमीडिएट डेटा आइटम, इंटरमीडिएट डेटा जो है वो देख ना पाए एक दूसरे से, वो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे T1 एग्जीक्यूट हो रही है, और जब T1 एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको ऐसा लगे कि सिर्फ T1 ही एग्जीक्यूट हो रही है, T2 कोई ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो एक दूसरे से उनके रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स वो एक दूसरे से कोई विजिबल ना होनी चाहिए। जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं इनके इनके डेटा आइटम्स की, वो एक दूसरे को विजिबल ना हो, ट्रांसपेरेंट हो एक दूसरे से। ओके, तो अगर ये है कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, T1 T2 दोनों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, तो T1 ऐसे एग्जीक्यूट हो रही है कि T2 है ही नहीं, T2 ऐसे एग्जीक्यूट हो रही है कि T1 कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं है पैरेलली। ओके, तो T2 को लगेगा कि सिर्फ T2 ही एग्जीक्यूट हो रही है, और T1 को लगेगा कि T1 ही एग्जीक्यूट हो रही है। तो आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को सीरियलाइजेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सीरियलाइजेबल मीन्स हम इनको कुछ स्वैपिंग करेंगे, और स्वैपिंग करने के बाद में इसको एक सीरियल शेड्यूल बना देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सीरियल शेड्यूल की फॉर्म में लिखूँ, अगर हम किसी भी शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल बना पाए तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आइसोलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जैसे रीड ए है एंड राइट ए है, अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। तो आप कोई भी, अगर आप इसको इनको ऊपर लेके भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले इसको ही रीड करना है और फिर बाद में इसको ही राइट करना है, क्योंकि डेटा आइटम्स अलग अलग हैं। तो आप इनको सीरियसली ईजिली ऊपर ले जा सकते हो, इसको रीड भी राइट भी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो रीड ए रीड बी। लेकिन ध्यान रखना आप रीड बी को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले टी टू एग्जीक्यूट करें फिर टी वन, क्योंकि जो टी टू है वो बी को रीड कर रहा है सिर्फ टी वन के राइट करने के बाद में। अगर आप इसको ऊपर लेके गए, आपने पहले टी टू एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन टी टू होगा वो बी की ओल्ड वैल्यू रीड कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं, इस केस में हम क्या चाह रहे हैं, कि जो टी टू है जो रीड बी कर रहा है वो एक्चुअल में टी वन के राइट करने के बाद करें। तो ये सीरियल शेड्यूल होगा इसके इक्वावलेंट। तो अगर आप किसी भी कॉन्करेंट शेड्यूल का सीरियल शेड्यूल निकाल पाएँ तो वो आइसोलेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हम देखेंगे अभी ध्यान से कि क्या सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है और रिकवरेबिलिटी क्या होती है। ओके, यह है आइसोलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद में हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। डी, ओके, इन इन एसिड प्रॉपर्टीज वी हैव डी इन द लास्ट, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का कहना यह है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली, तो उसका रिजल्ट जो है वो डेटाबेस के अंदर परसिस्ट करना चाहिए हमेशा के लिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन फाइन कंप्लीटली कमिट कर चुका है, तो उसने डेटाबेस के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन किए हैं वो सब के सब डेटाबेस के अंदर रहने चाहिए। इसका एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि लेट से आपने अपने अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर, अपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा किए, आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए। तो 1 लाख रुपए जब आपने डिपॉजिट कर दिए तो आपको रिसिप्ट मिल गई है। रिसिप्ट मिलने का मतलब यह है कि आपके हाथ में 1 लाख रुपए की रिसिप्ट आ गई है कि आपने जमा किए हैं अपने अकाउंट में, और उसकी बैंक से आपको रिसिप्ट मिल गई है। अगर आपको रिसिप्ट मिल गई है, इसका मतलब यह कि आपका ट्रांजेक्शन जो था वो सक्सेसफुल हो गया है, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो उस केस में डेटाबेस के, बैंक के डेटाबेस के अंदर वो वैल्यू रहनी चाहिए। अगर फेलियर भी आ गया, अगर डेटाबेस आपका जो कुछ जो ट्रांजेक्शन था उसके कमिट होने के बाद में वो जो रिजल्ट जो उसने भी मॉडिफिकेशन किए हैं डेटाबेस के अंदर, वो हमेशा के लिए रहने चाहिए। ओके, कभी अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ, लेट से बैंक का डेटाबेस फेल हो गया, या डेटा बैंक का पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया, या फिर बैंक के अंदर कोई आग लग गई, या बैंक के अंदर लेट से बैंक में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ओके, बैंक का पूरा डेटाबेस उड़ गया, उस केस में भी क्या हो, आपने जो भी मॉडिफिकेशन किए थे अपने अकाउंट के अंदर, जो भी जमा किया था, बैंक कल ये ना कहे कि हमारा पूरा डेटाबेस उड़ गया है और हमें नहीं पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास में रिसिप्ट है कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ था और ये मेरे अकाउंट में पैसे इतने हैं। तो एक्चुअल में इस ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बैंक क्या करते हैं, बैंक एक एक सर्वर रखेंगे, एक एक बैकअप सर्वर होगा हमेशा, एक सुपर कंप्यूटर होगा। उस सुपर कंप्यूटर में क्या होगा, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक है, उन सब बैंक का एक डेटाबेस होगा, ओके, जो एज ए बैकअप यूज़ कर रहे हैं। हर एक ब्रांच का अपना डेटाबेस तो है ही है, इन सब का एक डेटाबेस और है जो कि एक सुपर कंप्यूटर के अंदर होगा। तो अगर आपके किसी एक ब्रांच के अंदर आग लग भी गई, कोई एक पूरी ब्रांच ही खत्म हो गई, अब उसके बावजूद भी आपका जो पूरा का पूरा डेटाबेस है, आपका पूरा का पूरा जो जो आपकी डिटेल्स है अकाउंट की, कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और किसका अकाउंट है, किसके नाम से अकाउंट है, साइन किया है, सब चीज़ें जो हैं वो सर्वर के अंदर अभी भी हैं। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है तो वो डेटाबेस के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई फेलियर भी आए तो भी, कोई किसी भी तरह का फेलियर हो, चाहे डिस्क फेलियर हो, चाहे पावर फेलियर हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर फेलियर हो, हर तरह के फेलियर के बाद भी जो आपने जो भी आपने अपने डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन किए हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो गए हैं तो वो रहने चाहिए वहीं पे।
ये सब बेसिक्स थे, ये सब बेसिक्स थे किन चीज़ों को समझने के लिए, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो हम एक्चुअली मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिन पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं, अगर हम एक शेड्यूल को देखें, एक शेड्यूल तभी वैलिड है अगर वो, पहली चीज़, वो रिकवरेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रिकवरेबल एंड सीरियलाइजेबल। एक शेड्यूल को हम तभी कह सकते हैं कि वो वैलिड है अगर वो रिकवरेबल है और वो सीरियलाइजेबल है। ओके, हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, सीरियलाइजेबल क्या है और रिकवरेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक शेड्यूल, अ शेड्यूल इज करेक्ट इफ इट इज रिकवरेबल एंड सीरियलाइजेबल। ओके, सीरियलाइजेबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम का, हमेशा आप इनमें से क्वेश्चन पाओगे। ठीक है, तो अभी मेन चीज़ हमें दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं ट्रांजेक्शन के अंडर, दैट इज रिकवरेबिलिटी एंड सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे रिकवरेबिलिटी क्या है। ठीक है, रिकवरेबिलिटी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पाएंगे, किस किस तरह के रिकवरेबल शेड्यूल होते हैं। तो पहले देखते हैं इररिकवरेबल शेड्यूल मतलब क्या है। इररिकवरेबल, इररिकवरेबल का मतलब ये है विच आर नॉट रिकवरेबल। ओके, इररिकवरेबल मीन्स नॉट रिकवरेबल। ऐसे शेड्यूल जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते, वो कौन सी कंडीशन होगी। ओके, वो कंडीशन कौन सी होगी जिन कंडीशंस में हम एक शेड्यूल को रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक शेड्यूल है, उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2। ये मेरे पास में एक शेड्यूल है, मुझे बताना है कि शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं। इसने कहा रीड ए, राइट ए, इसने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसके बाद में T2 ने कहा रीड ए, और ये कमिट कर गया। कमिट करने का मतलब क्या है, कमिट एक बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। कमिट का मतलब यह है कि T2 इज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, T2 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर गया है। जैसे हमने अभी ट्रांजेक्शन का डायग्राम देखा था, ट्रांजेक्शन्स का स्टेट डायग्राम, लास्ट में उसमें कमिट था। कमिट का मतलब यह है कि अब फाइनली जो डेटा, जो ट्रांजेक्शन T2 था, वो कमिट हो गया, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और वो टर्मिनेट हो गया है, अब वो डेटाबेस से बाहर चला गया है। अगर आप सिंपल नॉर्मल रियल लाइफ में देखें, तो जब आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया बैंक ATM के अंदर, ओके, ATM के अंदर आपने पैसे डिपोज, लेट से कुछ विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के बाद में आपके हाथ में रिसिप्ट आ गई कि इतना विड्रॉल किया है आपने, और आपके पास हाथ में कैश भी आ गया है, तो वो जो रिसिप्ट आई है वो एक्चुअल में क्या है, वो कमिट ऑपरेशन है। कमिट मीन्स कि आपका जो आपका ट्रांजेक्शन था, जो भी आपने किया, वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन तभी क्या हुआ, जैसे T1 एग्जीक्यूट हो रहा था, ये R1 एग्जीक्यूट होने से पहले, या लेट से R1 के कंप्लीट होने के पहले, यहाँ पर इस टर्म पे क्या हुआ, इसके कमिट ऑपरेशन से पहले, T2 के कमिट करने से पहले, T1 क्या हुआ, वो फेल हो गई। एक ट्रांजेक्शन T1 थी जो फेल हो गई। ओके, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू किसकी वजह से, आइसोलेशन, एटोमिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। एटोमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि या तो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो या कोई भी ना हो। ये ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गए, लेकिन इसने अभी कमिट नहीं किया है, T1 ने भी कमिट नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कोई कमिट ऑपरेशन नहीं है, तो ये कमिट करने से पहले ही फेल हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो T2 थी वो T1 पे डिपेंड कर रही थी। क्यों, कि T2 एक रीड, एक डेटा आइटम रीड कर रही है ए, जो अभी अभी T1 ने राइट किया है। ओके, ये अपडेटेड वैल्यू यूज़ कर रही है ए की, एक ही अपडेटेड वैल्यू यूज़ कर रही है, अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब है कि T1 ने जो भी मॉडिफिकेशन किए T1 के अंदर, उसको फाइनली राइट कर चुका है। अगर आप इसको रोल बैक करोगे तो क्या होगा, आपने जो मॉडिफिकेशन किए थे वो भी आपको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसने मॉडिफिकेशन वापस ले लिए हैं, और इसने इसके मॉडिफिकेशन, इस जो इसने मॉडिफाई किया था वो वैल्यू रीड कर चुका है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये रॉन्ग वैल्यू रीड कर रहा होगा, ये रॉन्ग वैल्यू रीड कर रहा होगा, इसलिए आपको इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, T2 को आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कमिट कर चुका है, जो भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बैंक डेटाबेस की बात करूँ, आपने, आपको ATM से रिसिप्ट मिल चुकी है, अगर आपको रिसिप्ट मिल चुकी है और आपके हाथ में कैश भी आ गया, तो आप क्या ये कह सकते हो कि मुझे पैसे भी कैश ATM के अंदर वापस डालने हैं, मुझे रिसिप्ट भी वापस डालनी है, मुझे अंडू करना है सब कुछ,
ठीक है, मुझे रोल बैक करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। एक कमिट ऑप जो भी ट्रांजेक्शन कमिट कर चुकी है उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कमिट आपको रोल बैक करने की कोशिश करोगे लेकिन ये रोल बैक नहीं हो पाएगा। इस केस में आप क्या कहेंगे इस शेड्यूल को, कि ये शेड्यूल रिकवरेबल है, इस ये शेड्यूल इररिकवरेबल है, नॉट रिकवरेबल। ठीक है, ये शेड्यूल क्या है, इररिकवरेबल है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल्स हैं। रिकवरेबल शेड्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कहीं भी अगर ऐसा हो रहा है, लेट्स से आपके पास में टू ट्रांजेक्शन है, T1 T2, ये इररिकवरेबल शेड्यूल्स की डेफिनेशन है, इररिकवरेबल शेड्यूल्स की। ओके, T1 ने एक डेटा आइटम राइट किया है ए, और T2 उस डेटा आइटम को रीड कर रहा है, उसी सेम डेटा आइटम को रीड कर रहा है जो कि T1 ने राइट किया है, और इसने पहले कमिट कर दिया और इसने बाद में कमिट कर दिया, इसने बाद में कमिट किया। तो इस शेड्यूल को हम कह सकते हैं कि ये इररिकवरेबल शेड्यूल है, इररिकवरेबल शेड्यूल है। क्योंकि आपको क्या करना होगा, अगर इसको रिकवरेबल शेड्यूल बनाना है, तो T2 ने अगर राइट किया है, T2 ने एक डेटा आइटम रीड किया है जो कि एक्चुअल में T1 ने राइट किया था, तो कमिट ऑपरेशन ऑफ T1 पहले आना चाहिए। ओके, पहले T1 को कमिट करना है, तब T2, उसके बाद में T2 कमिट करेगा। अगर T2 पहले ही कमिट करके बैठ गया और T1 फेल हो गया कमिट करने से पहले, तो आपको डेफिनेटली इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप रोल बैक कर नहीं पाओगे क्योंकि ये पहले ही कमिट हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, अगर T2 कुछ भी डेटा आइटम रीड कर रहा है जो कि पहले T1 ने राइट किया था, तो उसको डिपेंडेंसी बोल रहे हैं। इस केस में आप कह सकते हो कि T2 डिपेंड्स ऑन T1। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, T2 जो डिपेंड करेगा वो T1 पे कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब ये कि रीड ऑपरेशन बाद में आना चाहिए और राइट ऑपरेशन पहले आना चाहिए, और ट्रांजेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये T2 डिपेंड्स ऑन T1। तो अगर T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे, देन T1 शुड कमिट फर्स्ट, मतलब T1 को पहले कमिट करना है। ओके, अगर T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे, तो T1 को पहले कमिट करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे हम श्योर हो जाएंगे कि T1 कमिट कर चुका है और अब कोई फेलियर नहीं आएगा। कमिट करने का मतलब ही क्या है, कमिट करने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल हो जाए, ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, तो आप T2 अब आराम से रीड कर सकते हो, इस डेटा आइटम को रीड कर सकते हो, क्योंकि अब रोल बैक नहीं होगा T1 से, अब कोई रिस्क नहीं है। तो इसी तरह से इररिकवरेबल शेड्यूल के बाद में हमने कहा कि शेड्यूल, एक शेड्यूल रिकवरेबल होगा, उसमें हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन रखी, एक शेड्यूल को रिकवरेबल बनाने के लिए हमने एक रेस्ट्रिक्शन रखी है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, हमने कहा लेट से हमारे पास में एक ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन है T1 T2, और एक शेड्यूल है S1। ठीक है, ये शेड्यूल है S1 जिसके अंदर दो ट्रांजेक्शन हैं। तो अगर T1 राइट कर रहा है और T2 उसी राइट डेटा आइटम को रीड कर रहा है, तो पहले T1 कमिट करेगा, उसके बाद ही T2 कमिट कर सकता है, उसके बाद ही T2 कमिट करेगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इफ T2 इज रीडिंग अ डेटा आइटम विच वॉज प्रीवियसली रिटन बाय T1, देन T1 शुड कमिट फर्स्ट, T1 शुड कमिट फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर T2 कोई डेटा आइटम रीड कर रहा है जो उससे पहले T1 ने राइट किया था, तो T1 को पहले कमिट करना है और T2 को बाद में कमिट करना है। जिस पे भी हम डिपेंड कर रहे हैं उसको पहले कमिट करना है। T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे, क्योंकि T2 बाद में ही रीड करेगा, इसके राइट करने के बाद में ही रीड करेगा, इसलिए डिपेंड कर रहा है T1 पे। अगर ये डिपेंड कर रहा है T1 पे, जो भी जिस पे डिपेंड करेगा, जिस पे भी आप डिपेंड कर रहे हो उसको पहले कमिट करना है। T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है, तो T1 को पहले कमिट करना है, तो शेड्यूल रिकवरेबल है। अगर ऐसा नहीं है, तो शेड्यूल इररिकवरेबल है। ओके, तो रिकवरेबल शेड्यूल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, किस केस में आप कह सकते हो कि शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं है। मैंने अभी डेफिनेशन बताई है रिकवरेबल शेड्यूल्स की, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करने के बाद में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि रीड ये शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं है। ठीक है, मेरे पास में ये ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं और इनके ऑपरेशंस ऐसे हैं, रीड बी राइट बी। ठीक है, उसके बाद में कमिट,
और ये है कमिट, ठीक है। ये मेरे पास में एक शेड्यूल है S1, मुझे बताओ कि रिकवरेबल है या नहीं है। ओके, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मुझे बताएं कि शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है शेड्यूल को ही बताने के लिए कि रिकवरेबल है या नहीं है, आपको डिपेंडेंसी देखनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये डिपेंडेंसी है। T2 एक डेटा आइटम रीड कर रहा है जो कि पहले T1 ने राइट किया है, तो ये क्या है, डिपेंडेंसी है। ओके, ये डिपेंडेंसी है, इसका मतलब क्या है कि T2 डिपेंड्स ऑन T1। ओके, अगर T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है तो T1 का कमिट ऑपरेशन पहले आना चाहिए T2 से, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि T1 का ऑपरेशन, कमिट ऑपरेशन जो है वो पहले ही आ रहा है और T2 को बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रिकवरेबल शेड्यूल है, ये शेड्यूल रिकवरेबल है। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए, कभी इस डिपेंडेंसी को गलत मत समझ लेना। डिपेंडेंसी तभी होगी, पहले राइट होगा उसके बाद में रीड होगा। ये भी एक ये भी आप देख रहे हो कि ये रीड करेगा राइट से पहले। T1 जब B को राइट करेगा, T2 पहले इसको B को रीड करेगा, उसके बाद में ही T1 राइट करेगा। ये भी एक तरह की डिपेंडेंसी है, लेकिन हम रिकवरेबल शेड्यूल में डिपेंडेंसी उसी को कहेंगे अगर पहले T1 उसको राइट कर रहा है और T2 उसको रीड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि T2 डिपेंड्स ऑन T1, तो T1 का कमिट ऑपरेशन पहले आना चाहिए T2 से, तो T1 का कमिट ऑपरेशन पहले आ रहा है, सही है, और T2 का बाद में आ रहा है, तो ये शेड्यूल रिकवरेबल है। मेरे पास एक एग्जांपल और है, दो ट्रांजेक्शन से T1 और T2, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दो ऑपरेशन से रीड ए राइट ए, उसके बाद में T2 कर रहा है रीड ए राइट बी, उसके बाद में T1 कह रहा है रीड बी, और फिर ये कमिट कर रहा है, और उसके बाद में T2 कमिट कर रहा है। ओके, तो इस तरह का मेरे पास में एक शेड्यूल है, ये शेड्यूल रिकवरेबल है या इररिकवरेबल है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डिपेंडेंसीज देखेंगे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें, T2 डिपेंड्स ऑन T1। ओके, T2 डिपेंड्स ऑन T1, तो T1 को पहले कमिट करना चाहिए। ओके, T2 डिपेंड्स ऑन T1, तो T1 पहले कमिट करेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि T1 पहले कमिट कर रहा है। ओके, T1 पहले कमिट कर रहा है, उसके बाद में ही T2 कमिट कर रहा है। ओके, दिस इज डिपेंडेंसी, सो दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल। इस शेड्यूल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एग्जाम्पल, ये शेड्यूल रिकवरेबल तो है लेकिन ये सीरियलाइजेबल नहीं है। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। सीरियलाइजेबिलिटी पूरे टॉपिक में बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को हम ध्यान से अगले सीरियलाइज जिसके बाद में जो हमारा टॉपिक है सीरियलाइजेबिलिटी उसमें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है जो कि रिकवरेबल शेड्यूल्स के साथ में है। वो प्रॉब्लम है कि जो रिकवरेबल शेड्यूल्स होंगे वो सीरियलाइजेबल हो सकता है नहीं भी हो। ओके, उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। उस ग्राफ में क्या होगा, जो आपके नोड्स होंगे वो ट्रांजेक्शन के नाम होंगे, ठीक है। T1 T2 दो ट्रांजेक्शन के नाम हैं, उसके बाद में इनके बीच में जो एजेस होगी वो बिल्कुल मेन चीज़ हैं। एजेस कैसे होंगी, तो एजेस जो होंगी वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होगी। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपने एक ट्रांजेक्शन रीड ए कर रहा है और दूसरा ट्रांजेक्शन राइट ए कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक ट्रांजेक्शन रीड ए कर रहा है, एक ट्रांजेक्शन लेट से रीड ए कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। एक ट्रांजेक्शन राइट ए कर रहा है T1, लेट से ये T1 है और ये T2 है, ठीक है। T1 राइट ए कर रहा है और T2 रीड ए कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। इसी तरह से राइट ए और राइट ए, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हैं। तो हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो T1 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है T2 के साथ में, क्योंकि ये राइट कर रहा है और ये रीड कर रहा है, तो एक एज बनाएंगे T1 से T2 की तरफ। T1 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है T2 के साथ में। अब T2 को देखो, ये वाला ऑपरेशन है, तो RB जो है वो RB के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों रीड ऑपरेशन है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। लेकिन रीड बी जो है वो राइट बी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग में कैसे देखेंगे, इसके नीचे के सारे ऑपरेशन चेक करेंगे, किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है, इसके नीचे के सारे, तो ये एक्चुअल में रीड बी राइट बी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो T2 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है T1 के साथ में, ठीक है। तो हम कहेंगे एक एक शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है अगर उसके प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल है। तो
तो अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ के अंदर साइकिल है, टी वन टू टी टू, टी टू टू टी वन, ये साइकिल है। तो अगर ग्राफ के अंदर साइकिल है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हो जो रिकवरेबल शेड्यूल्स होंगे उनके साथ एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम क्या है कि रिकवरेबल शेड्यूल्स मे नॉट बी फ्री फ्रॉम नॉन सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, जो हमने अभी पहले शेड्यूल देखा है वो सीरियलाइजेबल नहीं है, वो नॉन सीरियलाइजेबल है। मे नॉट बी फ्री फ्रॉम नॉन सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, ऐसा हो सकता है कि कोई शेड्यूल रिकवरेबल तो है लेकिन सीरियलाइजेबल नहीं है। ओके, एक शेड्यूल रिकवरेबल तो है लेकिन सीरियलाइजेबल नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम क्या है कि रिकवरेबल शेड्यूल्स मे नॉट बी फ्री फ्रॉम कैस्केडिंग रोल बैक। ये कैस्केडिंग रोल बैक क्या है? कैस्केडिंग रोल बैक, किसी के बारे में हम अगली बार बात करने वाले हैं। ओके, कैस्केडिंग रोल बैक, कैस्केडिंग रोल बैक का मतलब क्या है देखते हैं। ओके, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल देखने वाले हैं। सो कैस्केडिंग रोल बैक का मतलब है मीन्स फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स रोल बैकिंग ऑफ सेट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉसिबल है कि लेट्स से आपके पास में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, आपके पास में एक साइकिल, एक ट्रांजेक्शन्स का बहुत सारा, एक शेड्यूल के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। लेट्स से तुम्हारे पास में है T1, T2, T3, T4, इस तरह से चार ट्रांजेक्शन्स हैं एक शेड्यूल के अंदर, S1 के अंदर, ठीक है। और उसमें ऑपरेशन है ऐसे, राइट ए, उसके बाद में T2 रीड कर रहा है और एक राइट कर रहा है, उसके बाद में T3 जो है वो भी रीड कर रहा है और राइट कर रहा है, T4 जो है वो भी रीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो T2 जो राइट कर, जो रीड कर रहा है डेटा आइटम, वो पहले T1 ने अपडेट किया है। तो T1 ने पहले अपडेट किया, तब T2 ने रीड किया, फिर T2 ने कुछ अपडेट किया उसके अंदर, फिर T3 ने रीड किया। सो तो सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। T4 जो है वो T3 पे डिपेंड कर रहा है, T3 T2 पे डिपेंड कर रहा है, T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है। अब गैस करो, T1 के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई एट इस पॉइंट पे। T1 जो है वो ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गया। ओके, लेट्स से ट्रांजेक्शन T1 फेल्ड। अगर T1 ही फेल हो गया तो आपको उसको रोल बैक करना पड़ेगा। आपने इसको रोल बैक किया, क्योंकि आपने T1 रोल बैक कर दिया है तो आपको T2 भी रोल बैक करना पड़ेगा। क्यों रोल बैक करना पड़ेगा? क्योंकि T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे। अगर T1 ही नहीं रहा तो T2 भी नहीं रहेगा, तो अपने T1 T2 भी रोल बैक करना पड़ेगा। क्योंकि T3 जो है वो T2 पे डिपेंड कर रहा था, तो आपको T3 भी रोल बैक करना पड़ेगा। T4 जो है वो T3 पे रोल बैक, T3 पे डिपेंड कर रहा था, तो आपको T4 भी रोल बैक करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रांजेक्शन T1 फेल हुआ था, और ट्रांजेक्शन T1 के फेल होने की वजह से T2 T3 T4 सबको सबको रोल बैक होना पड़ा। ओके, सबको रोल बैक होना पड़ा। यही मैंने कहा है कि फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स रोल बैकिंग ऑफ सेट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस। ओके, इन सबको भी रोल बैक करना पड़ेगा इस एक ट्रांजेक्शन T1 की वजह से जो कि फेल हुई है। ओके, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। कैस्केडिंग मीन्स जो रोल बैक हो रहा है वो कैस्केडिंग में हो रहा है, कैस्केडिंग रोल बैक हो रहा है। तो इससे प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो कैस्केडिंग रोल बैक से बचने के लिए हम कहते हैं कि जो आपका शेड्यूल है वो कैस्केडलेस रिकवरेबल होना चाहिए, कैस्केडलेस रिकवरेबल, ठीक है। कैस्केडिंग रोल बैक जो है वो एक प्रॉब्लम है, और कैस्केडलेस रिकवरेबल जो है उसका सॉल्यूशन है। कैस्केडलेस रिकवरेबल में हमने क्या कहा? हमने एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन और रख दी। हमने कहा कि अनकमिटेड रीड आर नॉट अलाउड, अनकमिटेड रीड आर नॉट अलाउड। ये अनकमिटेड रीड का मतलब क्या है, ठीक
ठीक है, पहले हमने जो हमारे इरिकवरेबल शेड्यूल थे उसमें एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन रखी थी उनको रिकवरेबल बनाने के लिए। वो रेस्ट्रिक्शन क्या थी कि T2 अगर T1 पे डिपेंड कर रहा है तो T1 पहले कमिट करेगा। ओके, उसके बाद में हमने एक और रेस्ट्रिक्शन ऐड करी, वो रेस्ट्रिक्शन तो थी ही, उनको कैस्केडलेस रिकवरेबल बनाने के लिए हमने कहा कि अनकमिटेड रीड आर नॉट अलाउड। अनकमिटेड रीड का मतलब क्या है कि आपके पास में ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है। अगर T1 ने एक डेटा आइटम राइट किया, राइट ए, और T2 उसको रीड कर रहा है, ओके, जो ये रीड ऑपरेशन है ये अनकमिटेड रीड ना होना चाहिए। अनकमिटेड रीड आर नॉट अलाउड। अनकमिटेड रीड मतलब ये है कि इसके कमिट करने से पहले ये रीड ना करे, पहले T1 कमिट करे, ठीक है, इसको राइट करने के बाद में पहले कमिट करे तब T2 रीड करे। अगर आपके पास में कहीं भी ऐसा हुआ कि T1 T2 दो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसने कहा राइट ए, इसने कहा रीड ए, फिर T1 ने कमिट किया और T2 ने फिर कमिट किया। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये रिकवरेबल शेड्यूल तो है। क्यों है? क्योंकि T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे और T1 पहले कमिट भी कर रहा है फिर T2 कमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका रिकवरेबल तो है, लेकिन ये कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है। कैस्केडलेस रिकवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनकमिटेड रीड है, ये अनकमिटेड रीड है। अनकमिटेड रीड का मतलब क्या है कि T1 ने मॉडिफाई किया था A को, T1 ने A को मॉडिफाई किया, लेकिन इसके कमिट होने से पहले इसने इसको रीड कर लिया। ओके, कैस्केडलेस रिकवरेबल कहता है कि पहले आपको कमिट करना है, ये कमिट ऑपरेशन थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओ तब इसको रीड करो। ओके, तो T1 अगर मॉडिफाई कर रहा है A को, पहले आप इसको कमिट करो तब T2 रीड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में लेट से दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2, ये दो ट्रांजेक्शन है मेरे पास में, और राइट ए एक ऑपरेशन है, राइट बी इसमें एक ऑपरेशन है, और रीड बी उसके बाद में एक ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद में रीड बे यहाँ पर है, ये एक शेड्यूल है, इसका कमिट ऑपरेशन आया, उसके बाद में T1 का कमिट ऑपरेशन आया। तो ये शेड्यूल है मेरे पास है, मुझे बताना है कि रिकवरेबल है, कैस्केडलेस रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम डिपेंडेंसी देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, डिपेंडेंसी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। यहाँ पे ये राइट ए कर रहा है, लेकिन इसके राइट ए करने से के बाद में यहाँ पे कोई रीड ए है ही नहीं, तो कोई कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अब ये इस बी को राइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रीड ऑपरेशन है ही नहीं T1 में, तो इसके राइट करने के बाद में अगर कोई रीड हो या फिर इसके राइट करने के बाद में कोई रीड हो तो डिपेंडेंसी होगी, तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो डेफिनेटली क्या है, ये रिकवरेबल शेड्यूल है। ये क्या है? रिकवरेबल शेड्यूल है। क्या ये कैस्केडलेस रिकवरेबल है? कैस्केडलेस रिकवरेबल कहता है कि अगर आपने ए को राइट किया है, ओके, T1 ने अगर ए को राइट किया है तो T2 उसके इसके कमिट करने के बाद में ही रीड करेगा, लेकिन ये T1 ये T2 जो है वो ए को रीड कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ बी को रीड कर रहा है और बी को राइट कर रहा है, तो T2 ए को रीड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर बी T2 ने इसको राइट किया है बी को, तो यहाँ पे कोई अनकमिटेड रीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रीड ही नहीं है, अनकमिटेड रीड तो बाद की बात है। तो ये डेफिनेटली ये भी कैस्केडिंग रोल बैक, कैस्केडलेस रिकवरेबल है। तो ये दोनों है, अगर कोई भी शेड्यूल कैस्केडलेस रिकवरेबल है तो डेफिनेटली वो रिकवरेबल तो है ही है। तो आप पहले क्या चेक करो, आप कैस्केडलेस रिकवरेबल चेक करो। अगर कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि वो कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि वो इररिकवरेबल है। कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है तो आप रिकवरेबल के लिए चेक करो, सिंपल रिकवरेबल के लिए। तो हो सकता है कि वो सिंपल रिकवरेबल हो या ना हो, अगर वो रिकवरेबल भी नहीं है तो शेड्यूल क्या है, इररिकवरेबल है, क्योंकि अगर ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और है, इसको देखने के बाद में वीडियो पॉज करें और इस शेड्यूल को बताएं मुझे कि ये रिकवरेबल है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास में है T1 जिसके अंदर राइट ए ऑपरेशन है, फिर T2 के अंदर राइट ए ऑपरेशन है, इसके अंदर फिर रीड ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये कमिट कर गया और ये कमिट कर गया, अब ये बताओ कि रिकवरेबल शेड्यूल है, कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल है, क्या है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस शेड्यूल को, अगर हम ध्यान से देखें, T1 राइट कर रहा है A को, ओके, A को राइट कर रहा है, उसके बाद में T2 A को रीड कर रहा है, T2 क्या कर रहा है, A को रीड कर रहा है, ओके। तो क्या आप कह सकते हो कि T2 डिपेंड्स ऑन T1? नहीं कह सकते, T2 डज नॉट डिपेंड ऑन T1। आपको लगेगा कि रीड तो राइट के बाद में ही आ रहा है तो डिपेंड करना चाहिए, नहीं करेगा,
क्योंकि ये जो रीड कर रहा है डेटा आइटम ए, ये इसके राइट करने के बाद में कर रहा है, ये सेम सेम ट्रांजेक्शन ने राइट किया है। तो इसने राइट किया ए के अंदर कुछ, अब इसने कुछ ए के अंदर राइट किया, तब इसने रीड किया। तो ए ने जो फाइनल वैल्यू रीड की है वो एक्चुअल में ये वाले राइट होने के बाद में की है, ये राइट बाद में हुआ है। तो ए ने इसने जो भी फाइनली राइट किया होगा इसने वो रीड किया है, आर ए वो वाला रीड हुआ है। तो इस केस में क्या है, कोई कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, ना तो ये अनकमिटेड रीड है ना ये डिपेंड कर रहा है टी वन पे। तो डेफिनेटली क्या है, ये रिकवरेबल भी है। क्या आप कह सकते हो ये अनकमिटेड रीड है? क्या ये अनकमिटेड रीड है? नहीं, ये अनकमिटेड रीड नहीं है। अनकमिटेड रीड तभी बोल सकते थे जब टी वन ने इसको राइट किया हो। ओके, जब टी वन ने इसको राइट किया हो उसके जस्ट आफ्टर इसने रीड कर लिया हो, लेकिन इसने जो रीड किया है वो टी टू के राइट करने के बाद में किया है। तो डेफिनेटली ये कैस्केडलेस रिकवरेबल भी है। और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। मेरे पास एक शेड्यूल और है और इस शेड्यूल में बताना है मुझे कि रिकवरेबल है, कैस्केडलेस रिकवरेबल है या इररिकवरेबल है। ओके, तो T1 के अंदर है रीड ए, रीड बी, उसके बाद में है राइट बी, ठीक है, उसके बाद में है रीड ए, और उसके बाद में इसने कहा T1 ने कमिट, इसने अपना कमिट ऑपरेशन कर दिया है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। अब इसने कहा राइट ए और उसके बाद में कमिट, ठीक है, ये एक शेड्यूल है, आपको बताना है कि रिकवरेबल है या नहीं है। ठीक है, मेरा एस शेड्यूल एस है, तो क्या ये रिकवरेबल है? अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये रीड कर रहा है, ये रीड बी कर रहा है, ये राइट बी कर रहा है, तो इसने राइट बी किया है। क्या यहाँ पे हम कोई क्या कोई डिपेंड कर रहा है यहाँ पर? क्या ये कोई रीड कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये एक्चुअली राइट ए है, ये ट्रांजेक्शन, ये ऑपरेशन क्या है, राइट ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये ट्रांजेक्शन टी टू जो है वो रीड कर रहा है जो टी वन ने राइट किया है। ओके, इसके राइट करने के बाद में ये रीड कर रहा है, तो डेफिनेटली टी वन टी टू क्या कर रहा है, टी टू डिपेंड्स ऑन, टी टू डिपेंड्स ऑन टी वन। तो अगर टी टू डिपेंड्स ऑन टी वन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिकवरेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी वन को पहले कमिट करना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली टी वन पहले कमिट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवरेबल है शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? रिकवरेबल है। अब बात करते हैं कैस्केडलेस रिकवरेबल की। क्या ये कैस्केडलेस रिकवरेबल है? कैस्केडलेस रिकवरेबल कहता है कि अनकमिटेड रीड अलाउड नहीं है, ठीक है। अनकमिटेड रीड का मतलब ये कि अगर टी वन ने एक डेटा आइटम राइट किया है अभी अभी, तो पहले ये कमिट करे तब दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो उसको रीड करेगा, लेकिन इसके टी वन के कमिट करने से पहले ही टी टू ने इसको रीड कर लिया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये है अनकमिटेड रीड, इसको आप बोलोगे अनकमिटेड रीड, क्योंकि ये कमिट करने से पहले हुआ है, ठीक है। ये रीड ऑपरेशन क्या है, कमिट करने से पहले, अगर ये कमिट का ऑपरेशन यहाँ होता, अगर ये कमिट ऑपरेशन यहाँ पे होता और उसके बाद में हम रीड करते तो वो अनकमिटेड रीड नहीं होता। तो कैस्केडलेस रिकवरेबल कहता है कि नो अनकमिटेड रीड इज अलाउड, कोई अनकमिटेड रीड अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनकमिटेड रीड है तो ये कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। इसको कह सकते हो ये रिकवरेबल तो है बट कैस्केडलेस नहीं है, ठीक है। सो इस शेड्यूल के बारे में क्या कह सकते हैं, रिकवरेबल बट नॉट कैस्केडलेस रिकवरेबल, बट नॉट कैस्केडलेस रिकवरेबल, ठीक है। तो ये शेड्यूल रिकवरेबल तो है बट कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है, इसकी वजह से, इस अनकमिटेड रीड की वजह से, ठीक है। तो ये था आपका कैस्केडलेस रिकवरेबल। अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है, एक और तरह का रिकवरेबल शेड्यूल है, वो है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। अब आपके पास में सिंपली पहले क्या था, रिकवरेबल शेड्यूल थे। रिकवरेबल शेड्यूल में आपने क्या कहा, आपने कहा कि अगर टी टू टी वन पे डिपेंड कर रहा है तो टी वन को पहले कमिट करो। कैस्केडलेस रिकवरेबल में आपने क्या कहा कि अगर टी टू टी वन पे डिपेंड कर रहा है और टी टू, जो टी टू का रीड ऑपरेशन है वो टी वन के कमिट करने के बाद में आना चाहिए, यानी कि अनकमिटेड रीड अलाउड नहीं है। अब स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हमने छोटी सी रेस्ट्रिक्शन और रखी, हमने कहा नो अनकमिटेड रीड और राइट इज अलाउड, कोई भी अनकमिटेड रीड एंड राइट ऑपरेशन अलाउड नहीं है। यहां तक अगर आप डेफिनेशन देखें
तो ये कैस्केडलेस रिकवरेबल की है। उसमें आपने एक चीज़ और ऐड कर दी, आपने कहा कि राइट भी अलाउड नहीं है, कोई अनकमिटेड राइट भी अलाउड नहीं है। पहले रीड अलाउड नहीं था, अब अनकमिटेड राइट भी अलाउड नहीं है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने हमने पहली जो पहली चीज़ देखी थी वो ये था कि रिकवरेबल शेड्यूल जो हैं वो हो सकता है कि सीरियलाइजेबल ना हो, उनको सीरियलाइजेबल बनाने के लिए हमने स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स बनाए हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर सिंपली देखें आप, ये क्या कह रहा है? आपके पास में T1 एंड T2 टू ट्रांजेक्शन्स हैं। इसने कहा राइट ए, ठीक है। अब ये जो रीड ए होगा, ये रीड भी करेगा या राइट भी करेगा, ये इसे कमिट करने के बाद ही कर सकता है, ठीक है। अगर इसने कोई डेटा आइटम मॉडिफाई किया है तो उस डेटा आइटम के ऊपर आप रीड या राइट ए इसके कमिट होने के बाद ही करेंगे। तो नो अनकमिटेड रीड और राइट इज़ अलाउड, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों कमिटेड रीड राइट है, क्योंकि ये कमिट के होने के बाद कर रहे हैं, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन सिंपली लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या होगी? इफ ट्रांजेक्शन T1 अपडेट डेटा आइटम ए अदर ट्रांजेक्शन T2 नॉट अलाउड रीड ए राइट ए अंटिल कमिट ऑफ T1, ठीक है। अगर T1 ने कोई डेटा आइटम अपडेट किया है ए, जैसे कि ये कर रहा है, तो T2 जो है वो अलाउड नहीं है कोई भी रीड ए राइट ए करना जब तक कि वो कमिट ना कर ले। पहले ये T1 कमिट करेगा, उसी के बाद में आप रीड या राइट कर सकते हो। कैस्केडलेस रिकवरेबल में सिर्फ हमने इतना कहा था कि कोई भी अनकमिटेड रीड नहीं होगा, ठीक है। इसके कमिट करने के बाद में ही रीड ऑपरेशन होगा, राइट आप ऑपरेशन आप कर सकते हो पहले से। लेकिन रिस्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में आपने कहा कि अब राइट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अनकमिटेड राइट भी अलाउड नहीं है। तो ये हमारे पास में तीन तरह के रिकवरेबल शेड्यूल थे। ये है पूरी रिकवरेबिलिटी। एक बार इसके समरी देख लेते हैं, फिर हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। समरी क्या है? हमारे पास में सबसे पहले था इरिकवरेबल शेड्यूल्स। इरिकवरेबल शेड्यूल का मतलब क्या था? आपके पास में दो ट्रांजेक्शन्स हैं T1 T2, ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं। इसने कहा राइट ए, इसने कहा रीड ए, ठीक है। इसने कमिट किया और इसने बाद में कमिट किया, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है? T2 जो है वो T1 पे डिपेंड कर रहा है और T2 पहले कमिट हो जा रहा है। रिकवरेबल शेड्यूल का मतलब क्या है? कि पहले T1 को कमिट करना है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ गई किसी भी ट्रांजेक्शन किसी भी शेड्यूल के अंदर, तो वो शेड्यूल इररिकवरेबल शेड्यूल होगा। सेकेंड है रिकवरेबल शेड्यूल। इसमें हमने छोटी सी रेस्ट्रिक्शन रखी, वो रेस्ट्रिक्शन क्या थी? हमने कहा बिल्कुल इसका अपोजिट, जो इररिकवरेबल शेड्यूल कह रहे हैं उसका अपोजिट हमने कहा। हमने कहा कि अगर T2 ने कोई डेटा आइटम रीड किया जो कि पहले T1 ने राइट किया था, तो ये T2 क्या कर रहा है? T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है, तो T1 पहले कमिट करेगा। पहले T1 को कमिट करो, उसके बाद में ही T2 कमिट कर सकता है, ठीक है। ये रिकवरेबल शेड्यूल है। कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल, CLR मीन्स कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल। इसमें हमने एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन और रखी, वो रेस्ट्रिक्शन क्या थी? हमने कहा सेम चीज़ थी, T1 T2 दो ट्रांजेक्शन थे शेड्यूल के अंदर। पहले आपने कहा राइट ए, इसने कहा रीड ए, ठीक है। इसको रीड करना है डेटा आइटम ए जो कि T1 ने राइट किया है, तो ये रीड ऑपरेशन जो है ये इसके कमिट करने के बाद में ही आ सकता है, ठीक है। अनकमिटेड रीड जो है वो अलाउड नहीं है। जब ये इसके कमिट करने के बाद में आएगा इसको बोलते हैं कमिटेड रीड। तो अनकमिटेड रीड अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा रीड जो उसके कमिट करने से पहले हो जाए वो अलाउड नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो इस कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है। उसके बाद में आपने कहा था स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट में हमने एक और इसी चीज़ में एक और रेस्ट्रिक्शन ऐड कर दी, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या थी? वो रेस्ट्रिक्शन ये थी कि अनकमिटेड रीड एज वेल एज राइट भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अनकमिटेड रीड तो अलाउड था ही नहीं, अब अनकमिटेड राइट भी अलाउड नहीं है। अगर आपने कहा राइट ए और ये करना चाह रहा है कोई भी रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन, ठीक है, वो सिर्फ उसके कमिट होने के बाद में ही कर सकता है। T1 के कमिट होने के बाद में ही कर सकता है। T2 अगर T1 पे डिपेंड कर रहा है तो T1 पहले कमिट करेगा, तब ये रीड राइटिंग करेंगे, इसके पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमने रेस्ट्रिक्शंस रखते रखते हमने क्या बना दिया है? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल बना दिया है, जो डेफिनेटली सीरियलाइजेबल होगा ही होगा।
ठीक है, हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, रिकवरेबल शेड्यूल्स जो हैं वो कुछ ऐसे शेड्यूल हो सकते हैं जो जो सीरियलाइजेबल ना हो। तो रिकवरेबल शेड्यूल्स को सीरियलाइजेबल बनाने के लिए हमने सब रेस्ट्रिक्शन रखी, और अब जो भी शेड्यूल स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होगा वो सीरियलाइजेबल भी होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में दो ट्रांजेक्शन्स हैं टी वन एंड टी टू, और ये कह रहा है राइट ए और ये कह रहा है रीड ए, ठीक है, इसका कमिट ऑपरेशन आया और इसका कमिट ऑपरेशन आया, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या ये रिकवरेबल है, क्या ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है, क्या ये कैस्केडलेस रिकवरेबल है, इन तीन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या ये इररिकवरेबल है, कौन सा ऑप्शन सही है, मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो टी टू जो है वो टी वन पर डिपेंड कर रहा है और टी टू पहले कमिट कर रहा है, क्या शेड्यूल रिकवरेबल है, इज दिस शेड्यूल रिकवरेबल, नो दिस शेड्यूल इज इररिकवरेबल शेड्यूल, बिकॉज इफ टी टू इज डिपेंडिंग ऑन टी वन देन टी वन शुड कमिट फर्स्ट बट टी टू इज कमिटिंग फर्स्ट। ओके, तो अब हम कुछ गेट के क्वेश्चंस देखेंगे, ये हम रिकवरेबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे पास में गेट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है एक शेड्यूल है एस वन और उसके अंदर ये ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको आप सिंपली ट्रांजेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर वन एक्स का मतलब क्या है कि रीड ऑपरेशन ऑन एक्स इन द ट्रांजेक्शन टी वन, आर टू एक्स आर टू जेड मीन्स रीड ऑपरेशन ऑन जेड इन द ट्रांजेक्शन टी टू, आर वन जेड मीन्स ट्रांजेक्शन टी वन रीड ऑपरेशन ऑफ जेड, आर थ्री एक्स मीन्स रीड ऑफ एक्स इन द ट्रांजेक्शन टी थ्री, सो वी हैव थ्री ट्रांजेक्शन लाइक दिस। ओके, वी कैन राइट द ऑपरेशंस ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस, वी हैव थ्री ट्रांजेक्शंस टी वन टी टू टी थ्री, रीड एक्स मीन्स रीड वन एक्स मीन्स रीड एक्स इन द ट्रांजेक्शन टी वन, रीड टू जेड मीन्स रीड जेड इन द ट्रांजेक्शन टी टू, आर वन जेड मीन्स रीड ऑपरेशन इन जेड इन ट्रांजेक्शन टी वन, देन वी हैव आर थ्री एक्स मीन्स आर रीड ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन टी थ्री, देन वी हैव आर थ्री वाई, देन वी हैव डब्ल्यू वन एक्स दैट इज राइट ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन टी वन, देन वी हैव डब्ल्यू थ्री वाई, ओके, एंड देन वी हैव आर टू वाई, देन वी हैव डब्ल्यू टू जेड दैट इज राइट ऑपरेशन ऑन जेड इन द ट्रांजेक्शन टी टू, देन वी हैव डब्ल्यू वाई दैट इज डब्ल्यू टू वाई इज राइट ऑपरेशन ऑफ वाई इन द ट्रांजेक्शन टी टू, देन वी हैव सी वन सी टू सी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री सिंपली मीन्स कमिट ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टी वन, कमिट ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टी टू, और उसके बाद में है कमिट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन टी थ्री का। ठीक है, ये कमिट ऑपरेशंस हैं। अब इन कमिट ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये टी वन का कमिट ऑपरेशन है, उसके बाद में टी टू का कमिट ऑपरेशन आया, और फिर लास्ट में कमिट ऑपरेशन आया टी थ्री का। ठीक है, ये इनका मतलब ये है, सी वन सी टू सी थ्री का मतलब ये है, कमिट कमिट कमिट। ओके, पहले सी वन कमिट करेगा, फिर सी टू कमिट करेगा, फिर सी थ्री कमिट करेगा। अब आपको बताना है कि ये शेड्यूल रिकवरेबल है, इररिकवरेबल शेड्यूल है, रिकवरेबल है बट नॉट कैस्केडलेस रिकवरेबल, कैस्केडलेस रिकवरेबल है लेकिन स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं है, या फिर ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है। तो चेक करते हैं, पहले हम क्या चेक करेंगे, डिपेंडेंसीज चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब रीड ही कर रहे हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा आइटम कोई रीड कोई राइट ही नहीं कर रहा है, पहले आप जब राइट करोगे तभी कोई डिपेंडेंसी हो सकती है, तो रीड रीड में तो कोई डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे देखो, इसने राइट किया एक्स, क्या यहाँ पे कोई रीड कर रहा है एक्स को, कोई नहीं कर रहा है रीड को। अब यहाँ पे कहा आपने राइट वाई, ओके, इसके राइट करने के बाद में सेम ट्रांजेक्शन टी टू उसको रीड कर रहा है, उसी डेटा आइटम को जो टी थ्री ने राइट किया है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, टी टू डिपेंड्स ऑन टी थ्री। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, टी टू डिपेंड कर रहा है टी थ्री पे। ओके, ध्यान से देख सकते हैं, पहले ये राइट करेगा तब ये रीड करेगा, तो अगर टी टू डिपेंड्स ऑन टी थ्री है तो टी थ्री को पहले कमिट करना चाहिए। ओके, जिस पे हम डिपेंड करते हैं उसको पहले कमिट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, सिर्फ यही एक यही पॉइंट है जहाँ पे आपको देखना है, यहीं से आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये राइट कर रहा है वाई को और ये रीड कर रहा है वाई को इसके राइट करने के जस्ट बाद, तो हम क्या कह सकते हैं कि टी टू डिपेंड्स ऑन टी थ्री। तो टी थ्री अब रिकवरेबल की डेफिनेशन क्या कहती है, रिकवरेबल की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपका लेट से टी टू डिपेंड कर रहा है टी थ्री पे तो टी थ्री पहले कमिट करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, पहले टी टू कमिट कर रहा है उसके बाद में टी थ्री कमिट कर रहा है। ओके, पहले टी टू कमिट कर रहा है
उसके बाद में T3 कमिट कर रहा है, उल्टा हो रहा है। एक्चुअल में T3 को पहले कमिट करना था अगर इसको रिकवरेबल होना था, तो ये रिकवरेबल तो नहीं है, डेफिनेटली इट इज़ इररिकवरेबल। अगर ये रिकवरेबल ही नहीं है तो ये डेफिनेटली कैस्केडलेस रिकवरेबल तो होगा ही नहीं, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगर कोई शेड्यूल इररिकवरेबल है तो वो ना तो रिकवरेबल हो सकता है, ना वो कैस्केडलेस रिकवरेबल हो सकता है, ना वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो सकता है। लेकिन अगर कोई शेड्यूल स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है तो वो कैस्केडलेस रिकवरेबल भी है, वो रिकवरेबल भी है। ठीक है, इसका हम सेट डायग्राम देखेंगे पूरा, कौन कैसे क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, हमारे पास में ये शेड्यूल है, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं, रीड एक्स रीड जेड, और इसके बीच में एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3। तो उनका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन कौन से पे हो रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपके पास में लेट्स से 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, T1 और आपके पास में T2 T3 है। तो पहले क्या हो रहा है, रीड एक्स इन दी ट्रांजेक्शन T1, उसके बाद में हो रहा है रीड जेड इन ट्रांजेक्शन T2, उसके बाद में हो रहा है रीड एक्स इन दी ट्रांजेक्शन T3, फिर रेड रीड वन जेड हुआ, फिर रीड टू वाई। ओके, रीड टू वाई मीन्स रीड वाई इन द ट्रांजेक्शन T2, R3Y, R3Y मीन्स रीड ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन ऑन वाई इन द ट्रांजेक्शन T3, उसके बाद में राइट वन एक्स। ओके, राइट ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन T1, उसके बाद में C1, C1 मीन्स C1 ट्रांजेक्शन T1 जो है वो कमिट कर गया है, C1 मीन्स कमिट ऑपरेशन ऑफ T1। ओके, यहाँ पे आपका T1 कमिट कर गया। फिर है डब्ल्यू टू जेड, डब्ल्यू जेड, उसके बाद में डब्ल्यू थ्री वाई यहाँ पर, उसके बाद में डब्ल्यू टू वाई, फिर एक कमिट ऑपरेशन C3 का, पहले C3 ने कमिट किया, उसके बाद में C2 ने कमिट किया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो अब आपको चेक करना है कि रिकवरेबल है, इररिकवरेबल है, या फिर कैस्केडलेस रिकवरेबल है, या स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है। तो रीड 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 रीड, सो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं है। तो आपको जो चेक करना है यहाँ से चेक करना रहेगा। तो इसने कहा राइट एक्स और इसके बाद में कमिट कर गया, फिर इसने कहा राइट जेड, तो अभी तक कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई रीड ऑपरेशन ही नहीं है। तो इसने कहा राइट जेड, इसने कहा राइट वाई, अब ये राइट वाई करने के बाद में यहाँ पे कोई रीड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये रिकवरेबल शेड्यूल तो है ही है, ये रिकवरेबल शेड्यूल है, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी हमेशा रीड और राइट के बीच में होगी। यहाँ पे कोई रीड, यहाँ पे कोई राइट नहीं है इतने पोर्शन में, और नीचे के पोर्शन में कोई राइट, इसमें कोई राइट नहीं है और इसमें कोई रीड नहीं है नीचे वाले पोर्शन में, तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो रिकवरेबल शेड्यूल तो है ही है। क्या ये कैस्केडलेस है? हाँ, ये कैस्केडलेस रिकवरेबल भी है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी अनकमिटेड रीड अलाउ नहीं होना चाहिए, जब रीड ही नहीं है तो अनकमिटेड रीड कहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रीड ही नहीं है तो अनकमिटेड रीड तो होगा ही नहीं, तो दिस इज ये कैस्केडलेस रिकवरेबल भी है। लेकिन हमें हाईएस्ट फॉर्म चूज करनी है, हाईएस्ट फॉर्म मीन्स हमको स्ट्रिक्ट के लिए भी चेक करना है, क्या ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल है। अगर ये स्ट्रिक्ट भी है तो फिर तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट के लिए चेक करते हैं। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में हम कहते हैं कि कोई भी अनकमिटेड रीड एंड राइट अलाउ नहीं चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब T3 ने एक डेटा आइटम राइट किया, इसके राइट करने के बाद में जब इसने Y को राइट किया, तो इसके कमिट होने से पहले कोई भी ना तो रीड कर सकता है Y को, ना राइट कर सकता है। ओके, अनकमिटेड रीड राइट अलाउड नहीं है, ये कमिट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके कमिट होने से पहले इसने राइट कर दिया, ये क्या है, इसको अगर ध्यान से देखना है, ये है अनकमिटेड राइट, जो कि अलाउड नहीं है स्ट्रिक्ट के अंदर। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के अंदर अनकमिटेड राइट हो या अनकमिटेड रीड हो, अलाउड नहीं है। ये अनकमिटेड राइट है जिसकी वजह से ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है, ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है, क्योंकि वाई को अभी अभी T3 ने राइट किया है, इसके राइट करने के बाद में T2 T1 कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो इसको ना तो रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, जब तक इसका कमिट ऑपरेशन ना हो जाए। पहले ये कमिट करना चाहिए, उसके बाद में रीड राइट हो सकता है। अगर ये पहले ही रीड या राइट कर गया कोई भी अदर ट्रांजेक्शन, तो क्या होगा, वो अनकमिटेड राइट कहलाएगा, तो ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल तो है ही नहीं। ठीक है, दिस इज सेइंग इररिकवरेबल, नो दिस इज रिकवरेबल, एक्चुअली रिकवरेबल बट नॉट कैस्केडलेस रिकवरेबल, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये कैस्केडलेस रिकवरेबल भी है। दिस इज सेइंग, ये सी ऑप्शन कह रहा है कि कैस्केडलेस रिकवरेबल तो है लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है, जो कि ट्रू है, ये स्ट्रिक्ट तो नहीं है क्योंकि इस अनकमिटेड राइट की वजह से, और ये कैस्केडलेस रिकवरेबल तो है ही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है और हमें बताना है कि रिकवरेबल शेड्यूल है या कैस्केडलेस रिकवरेबल है या स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में दो ही ट्रांजेक्शन है, रीड वन ए रीड राइट वन ए, रीड टू बी राइट टू बी, रीड राइट टू बी राइट टू ए, रीड टू ए एंड कमिट ऑफ ट्रांजेक्शन T1 एंड कमिट ऑफ ट्रांजेक्शन T2। तो हमें क्या बताना है,
हमें बताना है कि ये रिकवरेबल है, कैस्केडलेस रिकवरेबल है या स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन से पहले क्या हुआ, रीड किया ए ट्रांजेक्शन टी वन के अंदर, फिर राइट हुआ ट्रांजेक्शन टी वन के अंदर, फिर रीड हुआ ट्रांजेक्शन टी टू के अंदर, उसके बाद में राइट हुआ ट्रांजेक्शन टी टू के अंदर, उसके बाद में राइट हुआ ट्रांजेक्शन टी टू के अंदर, फिर राइट हुआ ओके दिस इज़ ओके देर इज अ मिस्टेक, दिस इज एक्चुअली राइट वन ए, दिस इज राइट वन ए, देन वी हैव राइट वन ए, दैट इज राइट ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन टी वन। उसके बाद में रीड टू ए, विच मीन्स रीड ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन टी टू। उसके बाद में पहले कमिट किया टी वन ने और उसके बाद में कमिट किया टी टू ने। अब आपको बताना है कि रिकवरेबल है क्या, ये कैस्केडलेस रिकवरेबल है क्या, ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है। तीनों के लिए चेक करेंगे। रिकवरेबल शेड्यूल मीन्स पहले हम डिपेंडेंसीज देखेंगे। यहाँ पे देखो टी वन से टी टू में कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि ये राइट कर रहा है ए को और ये रीड कर रहा है बी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसने राइट, अगर बी को राइट किया है तो यहाँ पे देखेंगे क्या कोई रीड कर रहा है बी को, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे राइट किया ए को, यहाँ पे देखेंगे रीड ऑपरेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो टी टू जो है वो टी वन पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि टी टू एक डेटा आइटम रीड कर रहा है जो कि प्रीवियसली जो किसने राइट किया है, टी वन ने राइट किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टी टू डिपेंड्स ऑन टी वन। ठीक है, टी टू डिपेंड्स ऑन टी वन, तो टी वन का कमिट ऑपरेशन पहले आना चाहिए, टी वन शुड कमिट फर्स्ट। जिस पे भी हम डिपेंड करेंगे वो पहले कमिट करेगा। तो टी टू टी वन पे कमिट कर रहा है तो टी वन को पहले कमिट करना चाहिए। सही है, टी वन पहले कमिट कर रहा है, उसके बाद में टी टू कमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, रिकवरेबल शेड्यूल तो है ही है। क्या ये कैस्केडलेस रिकवरेबल है? कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल कहता है कि इसने अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसी डेटा आइटम ए पे, तो इस ट्रांजेक्शन ने कमिट करने के से पहले कोई और रीड ना करे, वो अनकमिटेड रीड ना हो। लेकिन यहाँ पे अनकमिटेड रीड है क्योंकि ये रीड ऑपरेशन पहले हो रहा है किससे, इसके कमिट ऑपरेशन से पहले। ठीक है, इसके कमिट ऑपरेशन से पहले ये रीड हो रहा है, तो ये कैस्केडलेस रिकवरेबल नहीं है। अगर ये कैस्केडलेस रिकवरेबल ही नहीं है तो ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पूरे रिकवरेबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि बीच में रिलेशन क्या है। जो आपके पास में स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई शेड्यूल अगर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है तो क्या वो कैस्केडलेस होगा, क्या वो रिकवरेबल होगा। तो हम सेट डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड जो है वो क्या है, वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कहता है कि नॉन कमिटेड रीड और राइट अलाउड, सबसे सबसे अंदर क्या होगा, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, उसके बाहर क्या होगा, कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर है कैस्केडलेस रिकवरेबल और सबसे बाहर है रिकवरेबल शेड्यूल। तो इस डायग्राम को देख के आप बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आपका स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल है वो कैस्केडलेस तो होगा ही होगा, वो रिकवरेबल भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है इन दोनों का। ठीक है, रिकवरेबल का सबसेट कौन है, कैस्केडलेस रिकवरेबल। कैस्केडलेस रिकवरेबल का सबसेट कौन है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। तो कोई अगर कोई ट्रांजेक्शन, कोई शेड्यूल अगर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है तो कैस्केडलेस तो होगा ही होगा, वो रिकवरेबल भी होगा ही होगा। कोई शेड्यूल अगर कैस्केडलेस रिकवरेबल है तो वो डेफिनेटली रिकवरेबल तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई शेड्यूल रिकवरेबल है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कैस्केडलेस भी होगा, स्ट्रिक्ट भी होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब इसके सबसेट्स हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई शेड्यूल है इस पोजिशन पे, तो ये शेड्यूल को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रिकवरेबल तो है लेकिन ना तो कैस्केडलेस रिकवरेबल है और ना ही स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर कोई शेड्यूल यहाँ पर है इस पोजिशन पर, ठीक है, तो इस पोजिशन, ये कहाँ है, सी एल आर के अंदर है, कैस्केडलेस रिकवरेबल के अंदर है। मतलब ये क्या है, कैस्केडलेस रिकवरेबल एंड रिकवरेबल बट नॉट स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ठीक है, ये कंक्लूजन निकाल सकते हो आप यहाँ से, बट नॉट स्ट्रिक्ट। बट अगर कोई शेड्यूल यहाँ पर है तो वो डेफिनेटली सब कुछ है, वो स्ट्रिक्ट भी है। हर एक स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल कैस्केडलेस भी होगा और वो रिकवरेबल भी शेड्यूल होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शेड्यूल हो सकते हैं जो रिकवरेबल तो हैं बट स्ट्रिक्ट नहीं है और कैस्केडलेस नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी समरी है इसकी। तो यहाँ पर हम रिकवरेबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और अगला जो लेक्चर होगा वो होगा आपका सीरियलाइजेबिलिटी पे, जिसमें हम देखेंगे पूरी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, सीरियलाइज कैसे बता सकते हैं कि कोई शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए कैसे चेक करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में।
तो इस लेक्चर को देखने के बाद में, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और इसमें हमें कमेंट में फीडबैक दें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और हमें और हिंदी में लेक्चर्स बनाने चाहिए नहीं, ठीक है? तो आप किस किस टॉपिक्स पे और लेक्चर्स हिंदी में चाहते हैं, ये सब चीज़ें हमें बताएं। आपका रेस्पॉन्स हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे, और आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।